रात चंद ही लम्हों में हम फेसबुक पे लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी घड़ी 11:30 बजा रही है और हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बजा चाहते हैं। और जनाब रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह, 25 डिग्री की तमाजत, हमारे लिए यही गर्मी। अभी मैं हिंदुस्तान से होकर आया हूं और 45 और 48 डिग्री से बचता हुआ किसी तरह से वापस जिंदा आ गया। और मौसम का मिजाज होता है बदलना, वो बदलता रहता है, मौसम गर्म हो या सर्द, इसका मजा उठाना चाहिए। हमने भी साहब खूब गर्मी का मजा उठाया था पिछले महीने। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक संजीदा, बावकार अदीब व सहाफी से होगी। सहाफत जिसका पेशा मगर कलम खूबसूरत बल्कि खूबसीरत किताबें भी रकम करता है, जो जुए शीर लाने से कम नहीं। मोहतरम ज़ियाउस्सलाम दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं और हिंदू पेपर के एसोसिएट एडिटर भी हैं। मगर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौसूफ ऐसी मसरूफ तरीन जिंदगी में ऐसी होशरुबा किताबें कैसे लिखते हैं। आपका ताल्लुक एक इल्मी खानवादे और मजहबी खानवादे से है, इस पर भी बात होगी। आइए हजरत जिया का इस्तकबाल शाद अजीम आबादी के एक खूबसूरत शेर से करते हैं कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ए अहले जमाना कद्र करो, नायाब न हो कमयाब हैं हम। वेलकम टू आवारगी विद दानिश क़िबला ज़िया भाई, आदाब। आदाब, जज़ाकअल्लाह फॉर हैविंग मी टुडे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू एन इंटरेस्टिंग वन आवर विद यू एंड ऑल द अदर्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम गुफ्तगुशनीद बातचीत शुरू करें, आइए आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी शेयर करते हैं और कुछ दोस्त जो ज़िया भाई के दोस्तों में करम फरमाओं में हैं उनसे ये बताता चलूं कि आप फेसबुक लाइव है ये प्रोग्राम, तो आप फेसबुक लाइव पे आ जाइए और वहाँ मैं भी चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल लाइव है प्रोग्राम, तो इसको देखें वहाँ और आप वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ दोस्तों को हम अभी रिकग्नाइज भी करेंगे, तो आइए पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं। खुश आमदीद हुजूर। वुमेन इन मस्जिद बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इस पे बात होगी। दिल तलाक डू अस्पार्ट, निकाह हलाला, तबलीगी जमात। एक तो ज़िया भाई ये किताबों के टाइटल्स भी बड़े अच्छे, और क्योंकि आप सहाफी हैं आपको पता है कि साहब सुर्खियां कैसे बनाते हैं, तो जी बहुत ही कैची, बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, गुलजार साहब ऑफ सैफ्रन फ्लैग्स एंड स्कल कैप्स, बहुत अच्छे। थ्री सिक्सटी फाइव टेल्स फ्रॉम इस्लाम, वंडरफुल। अंसारी साहिब,
बहुत अच्छी तस्वीर है हुजूर, दिल्ली फोर शोज। नहीं, आपने बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा? मैं एक टाइम में फिल्म क्रिटिक होते थे। अच्छा, हिंदू कल्चरल फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हुआ करता, अभी भी होता है ना? जी हाँ। ये बताइए साहब, ये बच्चे कौन है माशाल्लाह? ये मेरी बेटियां हैं। अरे माशाल्लाह, वंडरफुल। ये दो साल पहले, ढाई साल पहले। अच्छा अच्छा शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इस्लाम। और आप माशाल्लाह तबलीगी जमात के लगते हैं वैसे। अगर इस पे आप ना माशाल्लाह लगा तो ये जमात। चलिए साहब, अब बातचीत होगी तो वेलकम बैक। शुक्रिया सर। जनाब, एक बहुत ही फॉर्मूला सवाल मैं सारे हमारे मेहमानों से पूछा करता हूं कि साहब, ये जो COVID-19 है, थी, बल्कि अब तक चल रही है, आपके लिए जहमत था या रहमत? कैसा तजुर्बा था आपका? हाँ, ये तरीके से अल्लाह की रहमत। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी परेशानी आपको अल्लाह से करीब लाती है तो अल्लाह की तरफ से एक रहमत। वेरी गुड। कोविड के टाइम में हर किसी को खुदा की याद है, तो उस लिहाज से बहुत एक आसान हुआ दुनियावी तौर पे नहीं, लेकिन अगर आप आखिरत के तौर पे सोचें तो एक बहुत आसान रास्ता अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का। और रहा जहां तक हिसाब मेरी किताबों वगैरह का, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरी चार किताबें कोविड के टाइम में आ गई। आगे उसमें एक आम रीडर की राय ये होने लगी कि जिया भाई ने कोविड का फायदा उठाया, घर पे बैठे किताबें लिखना शुरू कर दी। और इंडिया में 24 मार्च से नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, तो ये किताब फिर पोस्टपोन हो गई। और इस किताब को करने के बाद, ये किताब मैंने पूरी करी थी कोई 30 अक्टूबर 2019 में, और 11 दिसंबर के बाद से इंडिया में NTCA की चीजें शुरू हो गई, और 15 दिसंबर 2019 से शाहीन बाग की मूवमेंट शुरू हुई। शाहीन बाग जब मैं गया, कुछ बार मैंने वहां पे जाके किताब भी किया, कुछ और लोगों से बातचीत होने लगा था, तो मुझे लगा ये एक ऐसी आम प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि अपने आप में एक मूवमेंट। पहली बार मैंने देखा कि हमारी मुसलमान खातिन सड़कों पे आई, अपने हाथ में तिरंगा लेकर एक तरफ, या कभी कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर, कभी कुरान हाथ में लेकर। और ये वो औरतें हैं जो कि ट्रिपल तलाक के मसले पर या बाबरी मस्जिद के मसले पर भी कभी सड़कों पे नजर नहीं आई। अब पहली बार उनको एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज लगा, तो वो बाहर। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को आगे आने वाले सालों के नस्लों के लिए एक डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार करना जरूरी है। तो किताब आई शाहीन बाग। अब ये शाहीन बाग और निकाह हलाला दोनों साथ साथ हो गई, और अनफॉर्चुनेटली 30 मार्च 2020 के आसपास तबलीगी जमात का इंडिया में मसला हो गया, जो हमारी गोदी मीडिया ने खड़ा करा एज इफ तबलीगी जमात वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड। तो अगेन आई थॉट इट वाज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द राइट पिक्चर टू द रीडर। कंट्रोवर्सी हुई है, तो हम इस किताब को चाहेंगे आप एक ही महीने में पूरा करके हमें दे। तो उनकी उम्मीद थी, तो मैंने ये किताब एक महीने में पूरी करी। तो अल्टीमेटली निकाह हलाला शाहीन बाग जुलाई के महीने में 10 दिन के अंदर में आ गए। तो कॉमन रीडर एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स थॉट जिया तो खाली कोविड में बैठ के किताबें लिख रहा है, दैट वाज पावरफुल। अच्छा साहब, आपके बहुत सारे चाहने वाले हमारे साये दीवार, हमारी वॉल पे आ चुके हैं, तो उनके कुछ मैसेजेस भी हम ले लेते हैं। और
सालिया रसीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अरबिक और फारसी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपको सलाम कह रही हैं। और मोहम्मद उसामा दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, बिहार से देख रहे हैं। गुलरुख खान साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, वो भी सलाम कह रही हैं। संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रही हैं। और मुजद्दीदी मुस्तफ़ा साहब देख रहे हैं दिल्ली से, नहीं सलाम कह रहे हैं आपको। और जिसके साथ गालिबन 2010 में दिल्ली के एक कश्मीरी होटल में खाना खाया था और अपनी किताब, अच्छा ये मेरे लिए कह रहे हैं जी हुजूर। अभी मोस्टली सवाल और सारे मुबारकबादियां जिया साहब के लिए, आज के नौशा आप हैं तो इसलिए मुझसे बाद में बात कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंजर जमील साहब हमारे बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और कोलकाता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। कश्मीर गुजा बहुत अच्छे हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और वो बिहार से पटना से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। मंजर जमील कह रहे हैं यू हैव ब्रॉट अ ग्रेट पर्सनालिटी टुडे ऑन दिस टॉक, वेलकम हिम एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद अहमद भाई देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, महमूद अहमद हमारे बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त हैं, थिएटर के दोस्त हैं और ये शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं जी साहब। तो नियाज जयराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से सलाम कह रहे हैं। और जनाब मॉरिशस से डॉक्टर आसिफ अली देख रहे हैं, आसिफ भाई आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत सारे दोस्त एहसान ताबिश सलाम कह रहे हैं। उज्मा दानिश साहिबा हमारी अहलिया कह रही हैं कि द वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज मे बी मूव क्लोजर, तो ये आपके लिए हाँ ये ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर ताशियाना साहिबा भी देख रही हैं मॉरिशस से, वो भी आदाब कह रही हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारे साथ रहें और हमें कुछ बातें भी करने दें। तो अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। आज का एक संजीदा सहाफी और उज्मा साहिबा के दूल्हा बचपन में कैसे थे कितने शरीर थे, बचपन आपका कहाँ गुजरा ये बताइए। सर मेरा बचपन पुरानी दिल्ली में गुजरा, पुरानी दिल्ली लाजपत नगर में गुजरा, इन दो जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, और दोनों अपने आप में बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एरियाज, बिल्कुल। आप ज्यादा मस्जिद का पुरानी दिल्ली का इलाका देखे खासतौर से उस वक्त में तो आपको कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं मिला भाई। आप एक काम ये कीजिए, जरा सा एक सेकंड के लिए अपना हेडफोन निकालें और देखें कि बगैर उसकी आवाज आ रही है, क्या लग रहा है आपको, आ रही है आवाज बगैर उसके? अब आवाज ठीक है आपकी, आ रही? I can hear you. हाँ तो आप भी, मेरे ख्याल में उसके वजह से कुछ गड़बड़ हो रही थी, वो निकाल दें, उसकी जरूरत नहीं। तो बचपन जो था हुजूर, आप दिल्ली वाले निकले, दिल्ली ही में आपका हमेशा रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में ही मेरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, और जॉब भी है, लेकिन मजे की बात यह है आपको लेकिन 25 जनवरी 1986 से नोएडा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, नोएडा में है, वो भी दिल्ली है। 32 years now, a little more than 32 years now. अच्छा। दिल्ली जो मेरे बचपन की थी और जो आज की दिल्ली है उसमें बहुत जमीन आसमान का, जमीन आसमान हो गया, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कुछ और साहब, मोहम्मद इम्तियाज शेख हैदर साहब सलाम कह रहे हैं, मोहम्मद खान साहब भी देख रहे हैं दिल्ली से ही मेरे ख्याल में, आदाब कह रहे हैं। और तो इसके बाद जनाब आपका ताल्लुक जो है माशाल्लाह बड़ा न सिर्फ इल्मी, बड़ा एक मजहबी खानवादे से आपका ताल्लुक है। मैं चाहूँगा दोस्तों को कुछ अपने बुजुर्गों के बारे में बताएं जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। देखिए कई बार मुझे वो चीज कहने में बड़ी शर्म आती है, इसलिए मैं आमतौर पे पब्लिक फोरम पे उसका जिक्र नहीं। नहीं, ये कनाडा आपके दिल्ली से बहुत दूर है।
But the almighty remains the same whether you are in Toronto or in Delhi. Mere walid sahab Hazrat Sayyid Abdul Bayan Jalali sahab the, aur wo ek bade apni pichli sadi ke bahut bade Islamic scholars mein unka shumar hua karta tha. Unhone Quran ki tafsir bhi ki thi, tafsir Maghribi Bayan Subhanallah ki taqriban 59 kitabein unki hain Islam se related. Hain Bukhari Sharif ka sahi muslim ka tarjuma kiya tha, ek dictionary bhi thi Arabic to Urdu and English ki. To us tarah se unke pure kaam tha, unki puri zindagi jo thi ek bahaisiyat mufti guzri thi. Aur wo mufti ke sath sath apne time ke nias mein kahunga बहुत लिबरल मुफ्ती, उनका वो एक ऑर्थोडॉक्स एक मौलाना का कंजर्वेटिव अध्ययन करती है वो नहीं हुआ करती थी. इन द सेंस कि उन्होंने मुझे या मेरे बहन भाइयों को कभी मदरसे में दाखिल नहीं किया. पहले टेंडेंसी होती थी कि अगर वालिद मौलाना है मुफ्ती है तो बेटा भी मदरसा ही जाएगा. तो उसके बदले उन्होंने हमें पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया, मुझे और मेरी सिस्टर को कोएड स्कूल्स में पढ़ाया. उस तरीके का वो बंदिशें उन्होंने हम पर कभी नहीं लगाई, या कभी ये नहीं कहा कि तुम अगर इस घर से ताल्लुक रखते हो तो तुम्हारी जबान उर्दू ही होगी. उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, घर में बचपन से अंग्रेजी के अखबार आए, अंग्रेजी के मैगजीन्स वगैरह को सब्सक्राइब किया. सो वी हैव अ समवॉट ऑफ अ लिबरल अपब्रिंगिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. बट एट द सेम टाइम माय फादर वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड I am not even 0.1% of what he had done in his life. मैं इसके मैंने आपको शुरू में शर्म का इजहार किया था क्योंकि जब मैं बच्चा था तो हमारे घर पे कोई फिल्म का जिक्र नहीं हो सकता. फिल्म देखना एक गुनाह का काम होता था और मुझे फिल्मों का बचपन से शौक. इंडियन एक्सप्रेस अखबार घर पे आता था, उसमें संडे को 3-4 इश्तेहार हुआ करते थे हिंदी फिल्मों. वो 10x2 के साइज के छोटे छोटे से इश्तेहार अखबार में होते थे और मुझे बचपन में पहले 1 रुपया फिर 2 रुपया पॉकेट मनी मिला था. तो एक बार मुझे पता चला, मैं अखबार लेने गया था अपने वालिद साहब के लिए अल जमीयत न्यूज़पेपर स्टॉल से, वहां पे पैट्रियट अखबार रखा था. मैंने उठा के देखा, उसमें 3-4 पेज के हिंदी फिल्मों के एडवर्टाइजमेंट थे. मैंने फौरन अपना ये फर्ज था, एक रुपया जोड़ देगा, उसमें से 60 पैसे का पेट्रियट अखबार खरीद लिया. अखबार में घर लिया यार, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वालिद साहब के सामने उस अखबार को खोल के पढ़ लूं. तो मैं इस इंतजार में रहता था कि जब वो जोहर की नमाज के बाद आराम फरमाएंगे तो मैं उस पे ये 3-4 पेज अखबार के देखूंगा और बहुत ध्यान से देखूंगा कि कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी फिल्म जा रही है, कौन से स्टार की है, क्या है. तो उस जमाने में कोई टीवी से एक्सपोजर नहीं होता था एंड ऑब्वियसली देयर वाज नो इंटरनेट. सो पेट्रियट न्यूज़पेपर वाज माय विंडो टू बॉलीवुड. और फिर सन 2000 में मैं हिंदू में आया तो आते ही 2 महीने के बाद मैं द हिंदू का फिल्म क्रिटिक बन. सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, अ मुफ्ती सन हु वाज नॉट अलाउड टू वॉच अ फिल्म इन हिज चाइल्डहुड was suddenly not only watching films but was also reviewing them and recommending them to the common reader. Aur usne ye kaha ki khushkismati ya badkismati aisi hui ki kuch silsila wo chalta chala gaya, koi 2008 ke shuru tak wo cheez chali. Fortunately ek cheez us time mere saath hui, ek mujhse pehle the hindu mein film critic hua. एक बार मैं रिवोल्यूट सिनेमा पे दिल्ली में कॉन्नॉट प्लेस में फिल्म रिव्यू के लिए बैठा हुआ था, ये खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया. मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं जब 12वीं जमात पे था तो मैं उनके पास उनके घर गया था गाइडलाइन के लिए कि आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए कि मैं कैसे एक जर्नलिस्ट बन सकता हूँ. तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने अपने अंदर से अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ताला जब मैं 50 साल का हूँ और इस दुनिया से कभी भी रुखसत हूँ, कोई ये नहीं कहे द हिंदू का फिल्म क्रिटिक नहीं रहा. वाह. उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता मैंने वो दूरी करी और उसी टाइम के 2-3 महीने के बाद ही ये बात हुई कि नेशनल फिल्म अवार्ड का डिक्लेरेशन हो रहा था
और मेरे एक दो कुछ दोस्त वोस्त थे जूरी में आसपास में फिल्म फेस्टिवल के लोगों में, उन्होंने बताया मुझे कि तुम्हारा नाम है, पांच लोगों में शॉर्टलिस्ट हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा नाम अब तीन लोगों में रह गया है और आज शाम तक डिक्लेरेशन होंगे। याद रही थी जब भी किसी कोई परेशानी हो या कि कोई चीज खास अल्लाह से मांगनी हो तो मैं वजू भर के दो नफिल पढ़ के दुआ करता हूँ। अच्छा। मुझे इसमें कामयाबी है। उस दिन भी मैंने वजू किया, नमाज बिछाया, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ा। मेरे दिल में इजाजत नहीं थी कि अल्लाह ताला से मैं ये दुआ मांगू दैट आई शुड बी द बेस्ट फिल्म क्रिटिक ऑफ द कंट्री। अच्छा। एंड दैट वाज द डे आई सेड फॉर द हार्डनेस टू फिल्म रिव्यूज। लेकिन वो था ना, एक आदमी की इमेज बन जाती है, तो कहीं पर मैं बाद में पहुंचता था, अनफॉर्चुनेटली मेरी इमेज पर पहुंचती थी। सो इवन नाउ टू दिस डे नो वीक गोज बाय व्हेन आई हैवंट डन अ फिल्म रिव्यू, वीकली फिल्म रिव्यू फॉर 14 इयर्स, व्हेन नो चैनल कॉल्स मी अप कि आप शाम में आइए इस पर थोड़ा तबसरा कर। अच्छा साहब, अभी भी कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी सी चौपी। आपने जो हेडफोन निकाला तो उसका कनेक्शन भी लैपटॉप से निकाला या नहीं? निकाल दिया जी। हाँ, या तो यही कि थोड़ा करीब ही रहें, आवाज ठीक है कुछ लोग, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है तो अब ठीक। जी हाँ, तो इस तरह से आप सहाफत की खारदार वादी में पहुंच गए। और ये कौन सा साल था? लेकिन मैंने सहाफत एज ए करियर चूज जरूर किया था, लेकिन इनडायरेक्टली। अच्छा। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सेंसिटिव बच्चा हुआ करता था, हर चीज को दिल पे ले लेता और अपना जो भी गम होता था वो कागज पे छोड़ देता था, कलम के जरिए जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी उसमें। और बचपन में वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, तो उसके बाद व्हाटएवर थॉट्स वर इन माय माइंड आई जस्ट पेन देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर and I composed a notebook out of this. So I wanted to be a writer. उस टाइम में ये फर्क नहीं पता था कि जर्नलिस्ट कौन होता है, राइटर कौन होता है। 11-12 साल की उम्र की बात है, और तब मेरा पहली बार 12 साल की उम्र में इंडिया में एक मैगजीन होता था खेलों का, स्पोर्ट्स वीक। स्पोर्ट्स वीक में मैंने एक लेटर टू द एडिटर भेजा और वो लेटर छप गया। उस दिन तो मुझे लगा I have arrived as a writer. बहुत खुश। मैंने सबको वो लेटर बांटा, उसकी कॉपीज वगैरह निकाल के। बट माय फर्स्ट प्रॉपर आर्टिकल वाज एट द एज ऑफ 18 इन इंडियन एक्सप्रेस। दैट वाज अ इशू ऑफ सेवेनिक वर्सेस, जब इंडिया में राजीव गांधी की सरकार ने उसको बैन किया था, ये उस वक्त की बात। सो फ्रॉम दैट ऑन आई गॉट स्टार्टेड, बट माय फर्स्ट फुल फ्लेज्ड जॉब वाज इन 1996 विद द स्टेट्समैन। सब दिल्ली से निगार अजीम साहिबा देख रही हैं, और निगार अजीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी दे रही हैं, सलाम कह रही हैं। कोलकाता से हमारी छोटी बहन निगार शाहिद देख रही हैं, वो भी आदाब कह रही हैं। सरवत मोहिद्दीन साहिबा देख रही हैं लखनऊ से, वो भी आदाब कह रही। तो माशाल्लाह काफ़ी। सोहेल अफाकी हमारे दोस्त हैं, भतीजे भी हैं, और ये कलकत्ते से देख रहे हैं कोलकाता। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग जमा हैं। तो और कुछ लोग अभी भी वेटिंग रूम में हैं, मुझे अफसोस है कि उनको शामिल नहीं कर सकता क्योंकि ये लाइव चल रहा है, उस पर ही वो देख सकते हैं। तो जनाब मलिक जमा साहब आपको सलाम कह रहे हैं। और तो सहाफत में तो आप आ गए हुजूर, लिखना आपने, कलम तो आपने पकड़ लिया था बहुत नौजवानी में, मगर आपकी हर किताब जो है वो मैंने एक तो ये पकड़ा कि साहब आप जो सुर्खियों के, क्योंकि आप उस्ताद हैं तो इसलिए किताब के टाइटल्स जो होते हैं वो माशाल्लाह बहुत कैची। ये बात हमारे एक दोस्त हैं कमर अहसन साहब, तो हमारे सफरनामा उन्होंने पढ़ा, आवारगी और मजीद आवारगी। आवारगी हमारे सफरनामे का नाम, उससे शोहरत मिली थी, इसलिए इसके प्रोग्राम का भी नाम आवारगी विद दानिश। तो उन्होंने ये बात कही थी, मुझे उससे अंदाजा हुआ। उन्होंने कहा कि जावेद दानिश को शायद नहीं अंदाजा है कि इनके अंदर जर्नलिज्म के जरासीम बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जिस तरह के सुर्खियां टाइटल्स लगाते हैं ये खास तौर पे जर्नलिस्टिक वो है और खुदादाद सलाहियत होती है, मगर इस तरफ वो जाते तो ज्यादा तरक्की करते। तो हमने कहा देर हो गई, अब कहाँ जाए भाई। समझे? तो साहब पहली किताब तो आपकी किताब, हाँ किताब बताएं जी क्या कह रहे थे आप? टाइटल्स की तो सिंपल सी बात है,
हम जर्नलिस्ट तो उस तरीके से आदमी सोचता है, शायद उस तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाता है, कुछ एक अम्ब्रिंगिंग, कुछ एक एटमॉस्फेयर वही रहता है कि दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलता है। बहुत हद तक ये है, लेकिन किसी किसी किताब में मेरे जो एडिटर्स रहे हैं बुक पे, उनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे अभी अभी किताब का जिक्र नहीं किया, वो मैंने सेज के साथ की थी, मदरसा इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया, बहुत अच्छा नाम जी। टाइटल तो पब्लिशर्स ने दिया। अच्छा, मैंने उसका टाइटल अपने आप से दिया था, मदरसा एंड द क्रॉसरोड्स। But they thought Islamophobia in current circumstances. But otherwise, yes, I have decided on the titles, and being a journalist, and then also being the editor of the feature section of the newspaper for 16 years. It is a normal ho jata. Normally hoti hai, jiya, jiya, bilkul hoti hai. एक बात और रह गई किताबों की, वाली साहब की बात हो रही थी और मजहबी किताबों की बात हो रही थी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मुझे किताबें, पुरानी किताबें खरीदने का बड़ा शौक भी है, और जब इंडिया जाता हूँ तो ऐसे दुनिया घूमता रहता हूँ। इंडिया में खास तौर पर लखनऊ वगैरह से और कलकत्ते से कुछ पुरानी किताबें, तो एक किताब के बारे में हमने बताया था कि साहब आपको भी दिखा दूँ, गनीतुत तालिबीन। अब ये किताब कैनेडा में हमारे पास मौजूद, तो हमारे यहाँ कोई मौलवी साहब आता है दोस्त, अगर हमारे मौलवी भी दोस्त हैं, लोगों को हैरत होती है कि भाई तुम तो ड्रामा लिखते हो, ये मौलवियों से दोस्ती कैसी। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई हर तरह का किरदार लिखना पड़ता है, इसलिए मौलवियों से भी दोस्ती करनी पड़ती है। उनको बड़ी हैरत होती है कि भाई आप थिएटर वाले हैं, ये ऐसी किताबें, तसव्वुफ की किताबें आप कैसे। हमने कहा भाई वो शौक है मेरा, तो इसलिए सिंपल बात है ना, वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी डू नॉट लिव इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज दैट सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो फिर किताब पे हम आते हैं कि आपकी किताबें जो है मौजू के एतबार से मुनफरिद मगर तश्वीशनाक बल्कि खतरनाक। इसका के अलावा मैं आपको एक हल्की बोल की किताब का जिक्र करता हूं, मेरे बचपन से चालू। अच्छा, अखबार का आपसे जिक्र किया कि उसमें चार पेज के इश्तेहार हुआ करते थे मेरे बचपन में, फिल्मों के, देखा करता था और अपनी पॉकेट मनी से 50-60 पैसे खर्च करके पेपर अखबार खरीदता। तो फिर मैंने ये 2015 में किताब लिखी, डेली फोर शोज। हमारे बचपन में खाली सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे, जिनमें की हर फिल्म रोजाना चार शो में चलती थी। तो हमने छोटा सा फिल्म के इश्तेहार में नीचे लिखा हुआ था डेली फोर शोज। फोर शोज, तो डेली फोर शोज को मैंने डेली फोर शोज किया, एंड दिस इज एक्चुअली अ हिस्ट्री ऑफ सिनेमाज ऑफ दिल्ली। दिस इज अ फिल्म रिलेटेड बुक डायरेक्टली। This is more of a sociological study of cinemas and their audiences. पुरानी दिल्ली की जो खातिर हुआ करती थी सन 70-75-80 के टाइम में, उनका दिल चाहता था फिल्म देखने के लिए जामा मस्जिद की औरतों का। जामा मस्जिद के सामने जगत सिनेमा होता था, उस पर जा नहीं सकती थी कि मौलाना लोग आसपास में, तो वो पहले रिक्शा करके फरदाबाद जाएंगी जो कि लेडीज ओनली पार्क होता था, फिर वहां से एक रिक्शा करके रेड सिनेमा जाया करती थी बस अड्डे पे। क्योंकि रेड सिनेमा पे एक अलग फैमिलीज के लिए बॉक्स होता था 8 लोगों के लिए, तो 8 औरतें 6 औरतें अपनी प्राइवेसी में वो फिल्म देखकर बाहर निकलकर पीछे से आ जाया करती थी। या दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक हॉल होता था टीन का डिब्बा जिसको लोग कहा करते थे, चंद्र लोग, उसमें खाली इमिग्रेशन वाले लोग आते, इमिग्रेंट जो लोग होते थे बिहार यूपी। उसी तरीके से एक रॉबिन सिनेमा सब्जी मंडी में होता था, उसमें भी जो दिल्ली का लेबर क्लास का जो तबका है, रिक्शा वाला, झिल्ली वाला, वो सब लोग आया करते थे, और उस सिनेमा हॉल में टिकट नहीं काटा करते थे वो। आप टिकट नहीं कर सकते थे, उसी बात जाइए तो टिकट के नाम पर आपकी कलाई पर मोहर लगा देते थे। अच्छा, मोहर जो होती थी उससे आप एंटर करते थे। वाह, वंडरफुल। सब बड़े हमारे जे एन यू के प्रोफेसर दोस्त इखलाक आहन साहब आदाब कह रहे हैं, कह रहे हैं जदीद हिंदुस्तान की सियासत और तारीख के हवाले से जिया इस्लाम के कारनामे बहुत अहम हैं। थैंक यू साहब। और महमूद अहमद भी कह रहे हैं द साउंड इज नॉट वेरी क्लियर, क्या किया जाए हुजूर। भाई कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है टेक्निकली, हालांकि
दूसरे ये आप लैपटॉप से आप बात कर रहे हैं, आवाज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैं फैन बंद कर देता हूँ। फैन चल, जी हाँ जी, फैन अगर चल रहा है तो थोड़ी गर्मी बर्दाश्त, हाँ प्लीज, हो सकता है उसके वजह से थोड़ी सी, हाँ हाँ वैसे तो आप, हाँ मैं क्योंकि दिल के कान से सुन रहा हूँ तो सुनाई तो मुझे दे रहा है कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो रही है, मगर देखते कोशिश पूरी होगी। और जनाब जुबैर शादाब भाई देख रहे हैं अलीगढ़ से और आपको आदाब कह रहे हैं। जनाब पहली किताब जो है जिसके ऊपर थोड़ी सी बात होनी चाहिए, बहुत निकाह और हलाला स्लीपिंग विद स्ट्रेंजर्स, बहुत ही अच्छा नाम और ये एक बहुत बहस तलब मौजू है, पहले इस किताब की कुछ तफसील बताएं। और देखिए ये किताब मेरे लिए इट एक्चुअली हर्ट्स मी इवन टुडे। जब मैंने की थी तब भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और आज भी अगर मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कौम के जो लोग रहे हैं, जो हमारे कुछ मौलाना लोग रहे हैं, उन्होंने दे हैव मेड अ मॉकरी ऑफ इस्लाम। जी अल्लाह मुझे और उनको हम सबको माफ करे कि कुरान में कुछ चीजें एकदम वाज़ह तौर पे बताई गई है, उसके बाद विलफुल डिस्टॉर्शन ऑफ दैट थिंग हर्ट्स यू एज अ मुस्लिम, एज अ रैशनल पर्सन, एज एनी ह्यूमन बीइंग विद कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स। जैसे निकाह हलाला की बात है तो कुरान में सूरह बकरा में खुले तौर पे है कि आप दो बार तलाक औरत को दे सकते हैं और रुजू कर सकते हैं। अगर आपने तीसरी बार तलाक दी तब आप उसके बाद उससे रुजू नहीं कर सकते, ये सूरह बकरा में सूरह आयत नंबर 228, 229, 230, 231, 32 तक है, ये सब बातें पूरी डिटेल में। अगर उसके बाद जो तीसरी तलाक के बाद वो औरत आपके लिए हराम हो सकती है और एक आजाद औरत हो जाती है, वो अपनी मर्जी की खुद मालिक होती है कि वो बाकी की जिंदगी एज ए सिंगल वुमन गुजारे या किसी और से निकाह करे। अब अगर वो किसी और से निकाह करने का फैसला करती है, एक ऑनेस्ट नॉर्मल निकाह विद कंप्लीट सिंसेरिटी एंड इंटेग्रिटी, और अनफॉर्चुनेटली उन साहब के साथ, उन खाविन के साथ उनकी नहीं बनती, उनकी तलाक हो जाती है या वो उनका हस्बैंड गुजर जाता, तब वो अपने सेकेंड हस्बैंड की इद्दत पूरी करती हैं उनके गुजरने पे 4 महीने पे और तलाक पे 3 महीने पे, और उसके बाद फिर से वो जब मोहलत खत्म हो जाती है तो एक इंडिपेंडेंट औरत बन जाती है। फिर से उनको पूरा इख्तियार इस्लाम देता है कि आप जो चाहे अपनी जिंदगी का कीजिए, आप चाहे सिंगल वुमन के तौर पे अपनी जिंदगी बिताइए या आप किसी और से नया निकाह कर सकते हैं। इस जंक्चर पे वो औरत चाहे तो अपने पहले हस्बैंड के पास वापस जा सकती है, अगर हस्बैंड भी तैयार एक नए निकाह के साथ। दैट इज the halal part of it. What I have seen in our society in India and Pakistan in particular, Maulana sahab kehte hain kisi ne gusse mein aake, bahut shadeed gusse ki halat mein aake apni biwi ko kai baar nashe ki bhi halat mein talaq de di, ek nahi 10-20 talaq ek hi baar unhone de di. Jab nasha utra, gussa utra, unko thoda ehsaas hua apni galti ka, un sahab ko unhone biwi se maafi talafi kari, biwi ne bhi socha bachchon ki taraf dekha, wo bhi taiyar ho gaye unke paas jane ko. तो वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, आमतौर पे मौलाना के पास जाते हैं मोहल्ले की मस्जिद पे। मौलाना साहब कहते हैं बेटी अब तुम इनके लिए हराम हो, तुम्हारी तलाक फाइनल हो गई, इररिवर्सिबल डिवोर्स, 3 डिवोर्स हो चुकी, अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय निकाह हलाला। और निकाह हलाला के लिए कहीं और क्या जाओगी, तुम मेरे साथ ही ईशा के बाद निकाह करो, फजर के बाद तुम्हें आजाद कर। और ये चीजें मैंने खुद सुनी, एक्सपीरियंस करी। मेरे ऑफिस के सामने एक मस्जिद है दिल्ली में, बुरी बटियारी मस्जिद, वहां पे एक साहब ने मुझे ऐसा ही ऑफर दिया। मैंने उन पे एक खातून का केस फिक्टिशियस लेके गया था अपनी किताब के लिए, वो साहब 63 साल के थे। और ऐसी मैं और जगहों पे मस्जिदों में गया, मदरसों में गया, साउथ दिल्ली में गया, मदनपुर की तरफ गया, खानपुर की तरफ गया, तो बहुत कम मौलाना ऐसे मिले जिन्होंने मुझे इस्लाम की सही पिक्चर प्रेजेंट करी कि भाई निकाह हलाला का ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि आज आप शादी करें और कल आप तलाक ले लें खुद से और आपको वापस अपने मियाँ के पास चले जाएं। ज्यादातर जगह पे इन सब लोगों ने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ था, कुरान के जो इंजंक्शंस हैं तलाक के ऊपर उसका मजाक बनाया। सो दैट इज हाउ आई एंडेड अप डूइंग दिस बुक निकाह हलाला।
अभी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही हैं, एम जे अकबर साहब की सिस्टर है गजल, वो बना रही है। बहुत अच्छे। कौसर मजरी भाई हमारे प्रोफेसर दोस्त जामा मिल्लिया के, वो कह रहे हैं कि जियाउस्सलाम बहुत ही जहीन, क्या फरमा रहे हैं। फतीम शख्स हैं मशहूर सहाफ़ी ज़िया साहब, ज़ियाउल हक मरहूम से इनके बारे में बहुत सुना है। मशहूर सहाफ़ी ज़ियाउल हक, उस्ताद हुआ करते थे। अच्छा उस्ताद, उनके बारे में कह रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सुना है। शुक्रिया मजर कौसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Among the most talented, most brilliant writers I've come across in my life. Unfortunately, उनको उतना ज्यादा recognition नहीं मिल पाया जितना कि वो deserve करते। दिल्ली में खुदा से दुआ है आज वो जहां पर भी हो अल्लाह ताला उनको ऊंचा मकाम। आमीन। दिल्ली में थे वो सब, वो दिल्ली हुआ करते थे। मैंने 6-7 महीने उनके साथ काम किया था अपने कॉलेज के फौरन बाद नेशन एंड द वर्ल्ड मैगजीन। अच्छा। कोलकाता से तस्लीम आरिफ हमारे दोस्त हैं, देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब शेख परवेज साहब भी कोलकाता से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। सबिया सुम्बुल साहिबा देख रही हैं अलीगढ़ से और कह रही हैं वाह बहुत सेंसिटिव मौजू, आदाब कह रही हैं। रहमतुल्ला तुर्कमेन साहब हमारे दोस्त हैं और ये इनकी किताब आई थी अर्तुल गाजी, और ये जनाब काबुल से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा। रहमतुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने का। और आसिफ भाई मॉरिशस से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगु हो रही। तो जनाब हाँ बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इसका मिसयूज़ बहुत हुआ है, और वाकई यहाँ तो खैर इस बारे में सोच नहीं सकते कि गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देगी कैनेडियन गवर्नमेंट, मगर ये लूपहोल है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत मिसयूज़ होता है। पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन अपने आप को हस्बैंड ऑन हायर अवेलेबल कराते हैं। अल्लाह Yeah, I'm working in London or I'm working in Dubai. I'll come down for nikah halala to Lahore or Faisalabad for 2-3 days, 4 days and then I'll come back. Oh. I've talked about it in the book. So अगर हम लोग इस्लाम का ऐसा मजाक बनाएंगे तो उसके बाद हमें कोई इख्तियार नहीं होता कि हम गैर मुस्लिमों पे कोई उंगली उठाए। उंगली उठाए वाह जी हाँ। फुजैल अहमद साहब भी आपको आदाब कह रहे हैं, सबिया संबल साहिबा आपको आदाब कह रही हैं, और काफ़ी दोस्त बड़े दूर दूर से देख रहे हैं। भाई हम सवालों में इतना मसरूफ़ हैं कि किसी का अगर कोई सलाम रह जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी चश्मा लगाता हूं और जिया भाई भी चश्मा लगाए हुए हैं, इसलिए तो हम मैं सबको इन जनरल वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह सबों को। हाँ जी हाँ सबों को सलाम। तो एक उसके बाद की भी जो किताब है साहब वो भी बहुत ही दो आतिशा करें चाहिए, तिल तलाक डू अस पार्ट। एक तो इसका नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये किताब जो है ड्रामे के लिए ज्यादा बेहतर है कि इस पर ड्रामा होना चाहिए, इसके बारे में बताएं, ये भी बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए ये किताब मैंने की थी जब सुप्रीम कोर्ट का 2017 अगस्त में जजमेंट आया था इनवैलिडेटिंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो अगले दिन हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के सब अखबार में ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज हमारे इतने बड़े मुल्क में नहीं हुई सिवाय इसके कि कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एक तरह से बैन कर दिया। और हमारे मीडिया ने तो इंस्टेंट वर्ड भी ज्यादातर जगह पे यूज नहीं किया, बस ये कह दिया ट्रिपल तलाक बैन, एक बैनर हेडलाइन में आठ पॉइंट। द फैक्ट वाज द कोर्ट हैड इनवैलिडेटेड ओनली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो मैंने सोचा ये मेरा एज ए मुस्लिम विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ इस्लाम, ये मेरी अपनी एक जिम्मेदारी थी, एक फर्ज था कि मैं रीडर्स के सामने सही पिक्चर लेकर आऊं, क्योंकि एक गैर मुस्लिम की नजर में भी और कई बार पढ़े लिखे मुसलमान जो कि कई बार दीन से थोड़े दूर रहे हैं अपने हालात की वजह से, उनकी नजर में भी ये होता है कि इस्लाम में तलाक का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। मैंने उन सब मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए सिर्फ कुरान और हदीस पे बेस करके ये किताब की, जिसमें मैंने सूरह बकरा का और सूरह तलाक का और सूरह निसा वगैरह का इसमें हवाला देते हुए बात की थी कि इस्लाम में एक तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सूरह बकरा में या कहीं पर भी जायज़ नहीं है, और एक पूरा प्रोसेस दिया है अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह तलाक के जरिए और जगह पे जिसको कि हमें फॉलो करना है। और साथ साथ तलाक देने का इख्तियार मर्द का जरूर है, लेकिन औरत भी एक अनहैप्पी मैरिज से अपने आप को रिहा कर सकती है। खुला और एक म्यूचुअल डाइवोर्स का सिस्टम हम
मॉडर्न सोसाइटी में पिछले सिर्फ 100 साल में सुन रहे हैं, 80 साल में सुन रहे हैं, लेकिन इस्लाम में म्यूचुअल डाइवोर्स का हिसाब 1400-1500 साल पहले से है। या अगर कोई फिजिकल वायलेंस हो किसी मैरिज में या डाउरी की डिमांड हो तो औरत को क्या क्या अख्तियारात होते हैं, इन सब चीज़ों का मैंने इसमें जिक्र करा था इस किताब में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब लोगों तक पहुंची, कुछ बात लोगों को समझ आई, क्योंकि इस किताब के आने के बाद ऐसा हुआ मेरे पास काफ़ी कपल्स ऐसे आए वक्तन फवक्तन जिनकी कि आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी, हस्बैंड ने 3 तलाक इनको एक ही शाम में बोल दिया था एक ही गुस्से में, और उसके बाद वो लोग रुजू चाहते थे और मौलाना होकर वही जनरल फैसला होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वर एबल टू कम बैक टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। एक खातून आई मेरे पास, वो जर्नलिस्ट थी और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान थी फिजिकल वायलेंस से, तो शी गॉट टू नो अबाउट खुला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको उस मैरिज से आज़ादी मिली खुला के जरिए, उस आदमी से जो कि उनके साथ बहुत ज्यादतियाँ किया करते थे। और फिर ये किताब तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में ट्रांसलेट भी हुई, अभी इंशाल्लाह मलयालम का भी ट्रांसलेशन आएगा, उर्दू में भी, उर्दू में नहीं मलयालम में, उर्दू में इसके आपको नहीं लगता? उर्दू में, उर्दू के पब्लिशर्स आए, अनफॉर्चुनेटली पेंगुइन ने किताब छापी थी तो उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनका सही नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। मैंने अपनी तरफ से कह दिया था कि आप मेरी जो ऑथर की रॉयल्टी है वो वेव ऑफ कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी पब्लिशर्स की कुछ डिमांड होती है राइट्स देने के लिए, कुछ सब मांगते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उर्दू पब्लिशर्स बाय एंड लार्ज उस चीज के लिए अग्रेबल नहीं होते, मिस्कीन है बेचारे। जैसे भी समझे, जैसे एक साल तो मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे पूछा, एक उर्दू पब्लिशर ने काफी दिन मेरे पास आते रहे, फिर मुझसे पूछा आपने कितने पैसे खर्च कर दिए इस किताब को छापने के लिए। So that was a shocker for me. I said, Alhamdulillah, I have not had to spend any money. Jitne paise isme lagaye publisher ka mila, but yes, I have been given some advance money. So ye cheez unke liye thoda sa samajhna ya yakeen karna thoda mushkil tha. Pathetic, bahut hi sharm ki baat hai waqai. Sir, aapne doston ko ye nahi bataya ki aapki jadein jo hai wo Rampur mein hai, hum isliye yaad aa gaya. Mere wale sahab madrasa aliya mein principal hua karte the, wahan pe padhate bhi the, fir Fatehpuri Masjid Delhi mein bhi hua karte the. मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा दोनों का ताल्लुक रामपुर से था, इसलिए याद आ गया मुझे, रामपुर से थे, बेरियान मोहल्ला एंड देन सिविल लाइंस। मुझे इसलिए अचानक याद आ गया कि हमारे दोस्त हैं मुअज्जम खान, यहाँ हैं, थिएटर के हैं, और ये रामपुर के हैं, तो देख के मुझे याद आया आपका रामपुर वाला मामला कि ये मुअज्जम भी आदाब कह रहे हैं, और मुअज्जम खान इसलिए आए हैं कि इनको पता चला कि आप रामपुर के हैं। तो और शाजिया तमकीन साहिबा देख रही हैं मेरे ख्याल में भद्रक उड़ीसा से, ये भी आपको सलाम करी। हाशिम मोहम्मद देख रहे हैं कोलकाता से, एक सेंसिटिव मौजू पर निहायत सेंसिबल गुफ्तगु के लिए आप दोनों मुबारकबाद। हाशिम भाई भी हमारे जर्नलिस्ट आदमी है और ये कोलकाता से देख रहे हैं। अच्छा साहब, कोई यहाँ जो है कैनेडा का जो एक छोटा सा मैं ग्राफ वो बताऊँ कि यहाँ डिवोर्स रेट जो है मुसलमानों में वो 37% तमाम आज़ादी और तमाम उसके बावजूद, और बर सगीर के मोस्टली लोग हैं मुसलमानों का जो ग्राफ है उसमें ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें ही 29% है मामला, और जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। इस तरह की कोई सर्वे वगैरह है इंडिया की? इंडिया में जो गवर्नमेंट के लिहाज से है वो मुस्लिम का जो डाइवोर्स रेट है इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू अदर कम्युनिटीज। अच्छा, इतना ज्यादा ऊंचा नहीं है जैसे आपने कनाडा का जिक्र किया या बांग्लादेश का जिक्र किया, तो उस तरह का हमारे यहाँ डाइवोर्स रेट अवेलेबल नहीं है। बिकॉज बैक इन 2011 जब यूपीए की सरकार होती थी तब उन्होंने कहा था मुस्लिम में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का रेट 3% बताया था उसका। अच्छा, तब तो कम है जी। तो बहुत कम है उस लिहाज से, और उसके साथ में आप जो वैलिड तरीके हैं तलाक के वो मान लें तो आई थिंक 5-6% से ज्यादा नहीं पहुंचेगी चीज। चलिए, दैट इज गुड। और ये अभी तलाक का आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारे देश में अभी एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है इसी मसले पर। एक खातून जो की जर्नलिस्ट थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं तलाक हसन को इनवैलिड डिक्लेयर कराने के रिक्वेस्ट के साथ।
लो तो मैंने उनको खैर अकेले में समझाया भी कि देखिए ये कुरान का एक तरीका है जो इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने एक अनहैप्पी मैरिज को खत्म करने का। तलाक हसन में होता है कि मर्द एक बार तलाक देता है, फिर एक माहवारी के फर्ज से या एक महीने के फर्ज से दोबारा उस चीज तलाक देता है, फिर एक माहवारी के बाद तीसरी बार होता है या एक मंथ का फर्ज से। तो इस तरह से एटलीस्ट 3 महीने बीत जाते हैं, ये कोई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है, 3 महीनों का फर्क है। और 3 महीने में औरत और मर्द को रुजू का पूरा इख्तियार है, और औरत मर्द के साथ रहती है और मर्द के ऊपर उसकी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, जैसे कि तलाक कहने से पहले थी। तो अच्छा खासा मौका रहता है उसमें रिकंसिलिएशन का। तो अगर आप इसको भी इनवैलिड करने जाएंगे देन व्हाट रिमेंस वैलिड। हाँ, टोरंटो में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे साथ, उनकी बहुत सी किताबें भी हैं, तर्जुमे का काम उन्होंने खूब किया, और वो माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर खालिद सुहेल। उनका एक बहुत ही अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है इस मौजू पे कि आजकल रिश्तों का वो आलम है, आजकल रिश्तों का वो आलम है जो भी निप जाए भला लगता है। तो जनाब जो तलाक का मामला है यहाँ भी इसकी सूरत हाल थोड़ी ठीक नहीं है, मगर बस और बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस दे रहे हैं। भाई आज थोड़ा हमारे कौसर मजहरी भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गए, कह रहे हैं कि आपकी किताबें उर्दू में लाजमी तौर पर शाया होनी चाहिए, उर्दू के पब्लिशर जरा कंजूस होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है इसलिए उर्दू में शाया होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेफादा कर सकें। कौसर मजहरी भाई मेरी भी यही ख्वाहिश है। बिल्कुल, मसला यह है कौसर मजहरी भाई, सिर्फ जियाउल इस्लाम और जावेद दानिश और इसके शिकार नहीं, ज्यादातर राइटर्स जो हैं उर्दू के पब्लिशर्स से परेशान हैं कि ये तो पहली बार हुआ कि एनबीटी वालों ने मुझसे कोई कांटेक्ट किया है और वो कह रहे हैं कि साहब एडवांस भी देंगे और रॉयल्टी भी देंगे, उर्दू में ये चीजें माशाल्लाह नहीं होती। तो इसलिए कौसर भाई को पता है कि ये इस तरह की चीजें जनाब। एक और चश्म कुशा किताब मेरे नजदीक, वुमेन इन मस्जिद, ये बड़ा कुछ इसके बारे में बताया, ये मसला क्यों है हमारे यहाँ? ये मसला नहीं होना चाहिए, ये मसला इसलिए है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम कुरान से दूर। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे और या तो अरबी समझें या उसका जो मीनिंग है अपनी जबान में पढ़ें, इंग्लिश उर्दू हिंदी जो भी जबान आप उसमें पढ़ें, तो आपको समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला जहां जहां पर भी नमाज का जिक्र करते हैं तो नमाज कायम करने का जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं करते। और नमाज कायम ग्रुप में होती है, अकेले नहीं होती है। एक चीज दूसरे, अल्लाह ताला जहां पर भी नेक मर्दों का जिक्र करते हैं उसी जगह पे नेक औरतों का जिक्र करते हैं, बद मर्दों का जिक्र करते हैं वहीं पर बद औरतों का जिक्र करते हैं। जितनी नेकी एक मर्द को अल्लाह ताला हज के लिए बताते हैं या रोजा के लिए होता है वही औरत के लिए, औरत के लिए भी है। उसी तरीके से सूरह तौबा में आयत नंबर 71 में औरतों को मर्दों का पार्टनर बोला गया है जो कि तुम्हारे साथ नेकी का काम करती हैं, नमाज कायम करती हैं, बदी से रोकती हैं। ये बहुत लूज रफ ट्रांसलेशन है बट उसमें बात सूरह तौबा आयत नंबर 71 में कही गई है। उसी तरीके से अगर आप कुरान की और आयत को देखेंगे, खासतौर से सूरह जुमा, जिसमें हमें कहा जाता है जब जुमे की नमाज का वक्त है तो सब काम छोड़ दो, सब अम्यूजमेंट सब ट्रेड छोड़ दो और नमाज की तरफ मस्जिद की तरफ पढ़ जाओ। तो क्या अल्लाह ताला जब ये सब चीजें कहते हैं तो क्या सिर्फ मर्दों से नमाज के लिए? नहीं, अल्लाह ताला ने पूरे कुरान हर किसी के लिए कहा है, यू कैन नॉट पिक एंड चूज आयत कि ये मैं इसको फॉलो करूंगा इसको नहीं करूंगा। सूरह बकरा में आयत नंबर 208 में बकायदा कहा गया है इट इन्वॉल्व टोटल सरेंडर टू अल्लाह, यू कैन नॉट से कि मैंने इस चीज को मान लिया ये काफी है, इस चीज को नहीं मानू। तो ये चीज मैंने इंडिया में खासतौर से देखी कि हमारे मौलाना लोग अक्सर एक हदीस का हवाला लेके औरतों को मस्जिद में दाखिल होने से कम नमाज में शिरकत करने से रोक देते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई जिनके शौहर को अच्छा नहीं लगता था उनका मस्जिद नबी बार बार आना, दिन में 5 बार आना, और उनको बहुत पसंद था आपके पीछे नमाज पढ़ना। तो आपने उनको फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ लिया, अगर उसमें भी दिखता था तो अपने घर में नमाज पढ़ लो, उसके बाद भी दिखता था तो अंदर के कुछ नमाज पढ़ लो। आपने ये नहीं फरमाया
कि तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुम घर के अंदर के हुजरे में नमाज पढ़ो। बल्कि मर्दों को ये हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे नमाज पे जाने की इजाजत मांगे तो उसको मना मत। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे तो मर्दों की सफ आगे होती थी, ख्वातीन की सफ पीछे होती थी। और उनका ये हुक्म होता था कि जब नमाज खत्म हो तो पहले औरतें बाहर जाएंगी, बाद में मर्द हजरात बाहर जाएंगे। उसी तरीके से जब मजमा बड़ा होता था और कई बार बच्चों की रोने की आवाज आती थी और बच्चे जाहिर बातें माँ के साथ होते थे, तो आप छोटी सूरह की तिलावत किया करते थे, तिलावत करा करते थे सर। तो जब आप इतना ध्यान रखते थे ख्वातीन के इंटरेस्ट का, व्हाट राइट डज अ मॉडर्न मौलाना हैव टू प्रिवेंट अ वुमन फ्रॉम गोइंग टू मस्जिद, दैट इज माय पॉइंट। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये किताब की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल लाइफ से भी स्टेम करती है कि मेरी जब से मेरा निकाह हुआ तो मैं अपनी बीवी और लड़कियों को अल्लाह ताला ने मेरी चार बेटियों से नवाजा है, उनको सिर्फ ईद पे ही नहीं जुमे की नमाज के लिए भी मस्जिद लेके जाता हूँ। पहले मेरी मरहूम वालदा होती थी, उनको भी लेके जाया करता था। और मैंने ये चीज आजकल के हिंदुस्तान में देखा कि अगर हम लोगों ने खुद ये करेक्शन नहीं किया, ये करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, तो जो राइट विंग हिंदू का एजेंडा है वो दोबारा से सामने आ जाएगा। और एक इख्तियार जिसका कि जिसको कि औरतों को कुरान ने दिया है, वो फिर एक कोर्ट एक दिन बीच में आएगा, वो इख्तियार वापस देगा और फिर हमारी कम्युनिटी की जो इमेज होगी वो गलत होगी। तो उसको सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक किताब की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। ये किताब आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के इलाके में 2 मस्जिद में औरतों के लिए जगह बनाई गई। वाह। और मेरे ऑफिस के सामने जिस मस्जिद का मैंने पहले जिक्र किया था वहां पे किया गया। और पिछले साल दिसंबर में हिंदुस्तान में 16 शहरों की औरतों ने इतवार को जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन औरतों ने इस किताब का हवाला देकर मस्जिद में दाखिल हुई और नमाज बाजमात पढ़ी। नहीं, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी। यहाँ जो है ये कॉमन प्रैक्टिस है कि औरतें मस्जिद जाती हैं, मस्जिद हो मसल्ला हो, औरतें भी जाती हैं, जुमे की नमाज के लिए भी जाती हैं, और यहाँ ये मसला नहीं है। मगर एक बात, एक अच्छी बात दूसरी एक आ रही है सामने, वो बताऊँ आपको कि यहाँ माशाल्लाह औरतें जो हैं वो खुद कफील हैं, तो आजकल अपने मसल्ले उन्होंने खुद बना लिए। मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि कनाडा में भी हुआ है कि औरतों का अपना मसल्ला है और वो इमामत भी कर रही, तो इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ हो चुकी है। देखिए, इस पे कंट्रोवर्सी जाहिर है बिल्कुल, जैसे कि इंडिया में मर्दों ने मस्जिदों को एक मेल मोनोपोली बना दिया। हाँ। अब आप उसके दूसरे एक्सट्रीम पे जाके मस्जिदों को फीमेल मोनोपोली बना दें तो हाउ इज इट करेक्ट? इट्स रॉन्ग, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। अगर मैं हिंदुस्तान में कहता हूँ कि ख्वातीन को उतना ही इख्तियार है मस्जिद जाने का जितना कि मर्द हजरात को है, तो उसी तरीके से अमेरिका या कनाडा में मर्दों को उस मस्जिद में जाने का उतना इख्तियार है जितना औरतों को। एक तरफ आप लार्जर सोसाइटी में कहते हैं वी डोंट बिलीव इन जेंडर सेग्रीगेशन, देन द सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कम फॉरवर्ड एंड दे कम अप विद अ मस्जिद एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन लीडिंग वुमेन इन प्रेयर, उसकी इजाजत इस्लाम में पूरे तरीके से है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मस्जिद सिर्फ औरतों के लिए, मर्द दाखिल नहीं कर सकते। जैसे हिंदुस्तान में वो चीज है, वो चीज गलत है, जो मर्दों की मस्जिद हमने बना के रख दिया। ऐसा कुछ इंडिया में तो मेरे ख्याल में नहीं होगा कि सिर्फ औरतों की। इंडिया में एक तमिलनाडु में कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब से कोई 5 साल पहले ऐसी कोशिश हुई इमामत की भी। इंडिया में एक जमीदा बीवी साहिबा है केरला की, उन्होंने मिक्स्ड जेंडर प्रेयर्स को इमामत की थी जुमे की नमाज। यहाँ भी ऐसा हो चुका है, यहाँ हुई है वो। सी, आई एम ऑल फॉर मेन एंड वुमेन प्रेइंग इन द मस्जिद बट नॉट इन द सेम सफ। द वुमेन हैव टू बी बिहाइंड द मेन, दे हैव टू हैव देयर ओन सफ, मेन हैव टू हैव देयर ओन सफ। जैसे आप हज पे जाते हैं, उमरा पे जाते हैं, जब आप तवाफ के बाद नफल अदा करते हैं तब औरतें अपने साथ रहती हैं, मर्द अपनी जगह पे होते हैं। या हम 5 वक्त की भी नमाज आप हरम शरीफ में पढ़ें या मस्जिद नबवी में पढ़ें, तो औरतों के अपने हॉल्स होते हैं, मर्दों के अपने हॉल्स होते हैं। वी प्रे टुगेदर एट द सेम टाइम बट वी हैव आवर ओन सेग्रीगेटेड स्पेसेस, दैट इज व्हाट आई एम फॉर। सब जयपुर से मलका नसीम साहिबा देख रही हैं और आदाब कह रही हैं,
और शुक्रिया मलकबा जी। और शेख परवेज साहब कोलकाता से देख रहे हैं और फरमा रहे हैं कि उर्दू किताब खरीद कर पढ़ना जो है वो उर्दू वाले बिल्कुल खाल खाल ये चीज़ होती है, यही वजह है कि उर्दू पब्लिशर्स ऑथर को रॉयल्टी नहीं देते हैं। भाई उर्दू किताब खरीद कर पढ़ना भी चाहिए और रॉयल्टी भी देना चाहिए, दोनों किताब दोनों बात होनी चाहिए। महमूद अहमद साहब न्यूयॉर्क से कह रहे हैं कि सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट मौलवी नज़ीर अहमद ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, आपकी नजर से गुजरा? मेरी नजर से गुजरा थी। I would refrain from commenting directly. All that I would say is, I personally read what my father wrote, and not only because he was my father, but I believe कि जो उन्होंने जितना डिटेल में दिया है बहुत कम लोग उसे कर पाए हैं। और उसके अलावा मैं मौदूदी साहब का जो towards understanding the Quran है वो मुसलसल पढ़ता हूँ, and I'm very comfortable with him. उसके अलावा जो मैं जिनको पढ़ता हूँ और सुनता हूँ वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहे। और बचपन में जो मैंने पहला ट्रांसलेशन पढ़ा था, दैट वाज कर्टसी माय ब्रदर हु गिफ्टेड मी अ कॉपी, दैट वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान बाय पिकथम। सो दीज आर द पीपल आई नॉर्मली कंसल्ट। बियॉन्ड दैट आई डू रीड, बट आई डू नॉट थिंक आई हैव बीन रियली टू फैमिलियर विद समबडी टू कमेंट ऑन। अच्छा। बिहार से अदनान मिर्जा रिसर्च स्कॉलर हैं, देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं आपको। वालेकुम तो जनाब कोलकाता से मंजूर आदिल साहब भी हमारे दोस्त हैं, शायर साहब हैं, देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। तो जनाब ये तो किताबें हुई, इस पे बातें भी बड़ी अच्छी हुई हैं। और मेहर आलम खान हमारे दोस्त हैं और ये लखनऊ से देख रहे हैं, और आजकल पता नहीं मेहर भाई कहाँ हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। जिन किताब मदरसा इन द एज ऑफ इस्लामफोबिया आपने थोड़ा सा बताया था, ये एक बड़ा कड़वा घूंट है, थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें जी। देखिए ये मदरसा इन द एज ऑफ इस्लामफोबिया मैंने किताब इसलिए की, मैं कोशिश करता हूँ मस्जिद नमाज के लिए जाने की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज मैंने नोट करी कि यहाँ पे जितने भी मस्जिद हैं दिल्ली में या लखनऊ में, जयपुर वगैरह में, लखनऊ और इवन महाराष्ट्र में, बॉम्बे वगैरह में, असर की नमाज के बाद कोई एक साहब आ जाएंगे जो कि ऐलान करेंगे फलाना फलाना मदरसा है, बहुत बुरी हालत में है, बच्चे वहाँ पे यतीम हैं, उनके खाने के लिए नहीं है, छत नहीं है, कंबल नहीं है, उस तरह की चीजें। एंड जो भी लोगों की अपनी चैरिटी का जिसका कंसेप्ट होगा उसके लिहाज से लोग कुछ ना कुछ उनको इमदाद कर देते हैं। तो मैंने भी उनकी कुछ रसीदें हासिल करी, कुछ खुद चैरिटी दी, कुछ और लोगों ने जो दी, तो मैंने पाया उसमें से 80% मदरसे एग्जिस्ट नहीं करते थे। अरे तौबा। उन्होंने जो नंबर दिए थे अपने पूरे एड्रेस के साथ और नंबर वगैरह दिए कि आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो आइदर दोज नंबर्स डिड नॉट एग्जिस्ट और दोज नंबर्स बिलोंग टू समबडी एल्स। ओहो। और साथ साथ क्योंकि मैं मुफ्ती का बेटा हूँ तो बचपन में मदरसा हुसैन बख्श से काफी ताल्लुक होता था, मेरे घर के पास हुआ करता था, तो वक्तन फवक्तन मदरसों से ताल्लुक रहा। तो मैंने एक चीज नोट करी कि यहाँ पे जनरली जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, कभी अच्छे पढ़े लिखे घर के बच्चे मदरसों में नहीं आते। और जनरली वो वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं होते और कई बार इतने गरीब होते हैं कि बच्चों को पालना उनके लिए मुमकिन नहीं। तो मदरसा ऐसे में फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री फूड, हॉस्पिटैलिटी सब चीजें देते हैं, तो उनको लगा कि एक बच्चे का खर्चा कम हो जाएगा। तो ऐसे हालात में वो 6 साल के लिए बच्चे को छोड़ देते हैं कि कम से कम कुरान पढ़ के लिख जाएगा। दूसरे किसी के ज्यादा बच्चे हैं, 5 लड़के हैं 6 लड़के हैं, तो आपने एक को मैकेनिक बना दिया ऑटो का, एक को आपने कोई दुकान पे बैठा दिया, तो आपने सोचा जो सबसे छोटा बेटा है उसको मैं कुरान हाफिज बनाऊं ताकि वो मेरी जन्नत की चाबी बन जाए। तो इस तरह से आपने मदरसे में छोड़ दिया। और मदरसे में बच्चों को कोई कुरान का इल्म नहीं मैंने देते पाया अक्सर उनको, दे वुड लर्न हाउ टू रीड द कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह दे वुड इवन बिकम कुरान हाफिज, एक्सक्यूज मी। बट अगर आप उनको हाफिज होने के बाद पूछें कि भाई आप सूरह बकरा तो छोड़ दीजिए जिसमें 286 आयते हैं, आप छोटी सी मुझे सूरह वल असर के मीनिंग बता दीजिए या आप मुझे चारों कुल के मीनिंग बता दो, वो नहीं बता सकते। दिस डिस्पाइट स्पेंडिंग 4 to 6 years इन मदरसा,
because madrasas concentrate only on rote learning. And also they do not give any so-called secular education by and large. उन्होंने वो एक अलग से वर्टिकल डिवीजन क्रिएट कर दिया है एजुकेशन का कि ये सेक्युलर है ये रिलीजियस है. एक मदरसे में मैं इसी किताब के ताल्लुक से पहुंचा, वहां के जो रेक्टर थे उनसे बात की कि आप बच्चों को यहाँ पे सीबीएसई वगैरह जो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की तालीम क्यों नहीं देते, जो बच्चे आपके यहाँ से फारिग होंगे वो खाली कहीं पर इमाम बन सकते हैं या मौज़िब बन सकते हैं या घर घर में जाके बच्चों को सिपारा पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा कोई करियर ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास. तो उनका आप मेरे बच्चों को चाहेंगे कि भटक जाएं, वो साइंस का इल्म हासिल करके और अंग्रेजी का इल्म हासिल करके वो ब्लू फिल्में देखेंगे अंग्रेजी फिल्में देखेंगे भटक जाएं. इफ दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायरेक्टर वी कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द मदरसास. बट दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द पिक्चर. द अदर साइड इज हमारे यहाँ राइट विंग मीडिया जिसको कि आजकल बहुत हल्के अल्फाज में गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुत ज्यादा जोश में रहता है कि मुसलमानों को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए. तो उसके लिए कहा जाता है मदरसाज आर डेंस ऑफ टेररिज्म. कई बार उन जर्नलिस्ट से मैंने खुद से कहा, भाई लास्ट टाइम आप किसी मदरसे में कब दाखिल, उसका जवाब नहीं. एक खातून ने बहुत लंबा चौड़ा कोई 15,000 वर्ड्स का एक सीरीज करी थी एक पीरियोडिकल में वीकली मैगजीन में कि जितने भी मदरसे हैं यूपी में नेपाल बॉर्डर पे वो टेररिज्म करा. मैंने कहा इनमें से आप कितने मदरसों में अंदर होकर आएंगे, आपने कितने मदरसों में हथियार देखे हैं, उन सबका जवाब नहीं. सो दैट इज वन पिक्चर विद द मीडिया प्रेजेंस एंड दैट इज व्हाई आई सेड मदरसास इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया डिजर्व अ बुक. किबला, जिन किताबों की बात हुई है इनमें सबसे मकबूल कौन सी रही? Till Talaud Do Us Part. Unfortunately, unfortunately, yes, that is the book which has done the best among all my books. और एक मेरी बच्चों के लिए किताब आई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है, चलती है. That is 365 Stories from Islam. हाँ, उसपे हम बात करेंगे अभी. और मगर ये जो किताबें हैं साहब, मुल्क के मिजाज पर ये गिरा नहीं गुजरी? आपके पास फोन वो नहीं आते? हर तरीके की चीजें आती हैं, हर तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन बस एक बात ये है इसमें जो क्रिटिसिज्म होता है ना वो सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिटी से होता है. लीजिए, मैंने किताब की थी इनसाइड द तबलीगी जमात, तो जितने भी नेशनल मीडिया के लोग थे उन्होंने मुझे अलहमदुल्ला काफी पॉजिटिव रिव्यू दिए. और पहले 6 महीने के बाद मैंने हार्पर कॉलिन से पूछा तो दे वर वेरी हैप्पी क्योंकि कोविड के टाइम में किताब आई, क्योंकि जितनी भी हमारी नॉन फिक्शन के टाइटल्स आए हैं कोविड में आपकी किताब बेहतर चली. लेकिन एक मुस्लिम इदारा ने किताब का रिव्यू करा और उन्होंने किताब की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई और उन्होंने कहा कि किताब में कोविड का कोई जिक्र नहीं है, जबकि सबसे बड़ा इस टाइम कोविड के टाइम में मसला तबलीगी जमात का ही था और पूरी जमात को मीडिया ने बुरा कहा, बदनाम किया. तो उससे मैं समझ गया कि किताब शायद खोल के भी नहीं देखी, क्योंकि किताब का सबसे बड़ा जो मतलब था वो कोविड वाले का केस पर था. तो बट इफ दैट इज द माइंडसेट दैट्स डिफरेंट, बट आई एम रेडी टू टेक इट इन माय स्ट्राइड. आई थिंक दैट इज द प्राइस वन हैज टू पे व्हेन यू आर डूइंग अ बुक ऑफ दिस नेचर. सब मुंबई से हमारे दोस्त मीर साहिब हसन साहब देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं आपको. तो आजकल उर्दू वाले साहब बड़े शौक से अपने मौजू और दिलचस्पी की किताब इंग्लिश में जरूर पढ़ते हैं, तो कारी कौन है इन किताबों का? देखिए इसमें ये हिंदी वालों के साथ भी होता है और इसमें एक कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा कि इंग्लिश के अखबार हिंदी या उर्दू की किताब का कोई रिव्यू नहीं छापते कि हम तो खाली इंग्लिश के अखबार हैं, हम इंग्लिश की किताब का रिव्यू छापते हैं, जबकि उर्दू और हिंदी के अखबार और जो और रीजनल लैंग्वेज के हैं वो इंग्लिश की बुक के अक्सर रिव्यूज या एटलीस्ट उनका ट्रांसलेशन किसी एक चैप्टर का छाप दिया करते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट्स वी हैव. बट यू आर टॉकिंग ऑफ उर्दू, ये चीज अभी पिछले दिनों मेरी गीतांजलि श्री जी से बात हुई बुकर के फौरन बाद, तो उन्होंने भी यही बात की कि मेरे बुकर के बाद
मुझे उम्मीद है कि अब लोग जो हमारी हिंदी की लिटरेचर है या उर्दू की लिटरेचर है वो उर्दू अच्छे से जानती है, उर्दू की या और इंडियन लैंग्वेजेस की लिटरेचर है लोग अब उसको सीरियसली लेंगे. यू विल नॉट हैव टू राइट ओनली इन इंग्लिश टू बी टेकन सीरियसली. वाह अच्छा है. हम आप अभी बच्चों के उस बात करते हैं, अदब अतफाल की कमी तो हमारे यहाँ बहुत है, उर्दू में ही बहुत नहीं है. इस पर भी आपकी दिल आपने बड़े दिल जमाई से काम किया है और शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इस्लाम और 365 टेल्स फ्रॉम इस्लाम इसकी जो पब्लिकेशन हुई. इससे पहले मैं ये बात बता दूं कि पिछले माह मैं इंडिया में था और गुड़गांव में था, तो भांजे की यानी बर्थडे थी बच्चे की, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई मैं किताबें देता हूं और यहां तो मेरे पास किताबें नहीं है तो मैं मार्केट चला जाता हूं. तो वहां एक मॉल में गया मैं, तो वहां मैंने ये 365 जो है ये हमने वो किताब देखी वहां, मगर शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इस्लाम ये खरीदा था हमने वहां से. तो उस वक्त आपसे बात नहीं हुई थी वरना मैं हवाला देता कि भैया इसकी परसेंटेज कमीशन कितना है वो कम कराओ मगर वो अच्छी छपी हुई थी बहुत, तो ये हवाला रेफरेंस में बात आ गई. तो ये जो किताबें हैं हाँ इसके बारे में बताइए आप पहले. देखिए ये इंडिया की सेकुलरिज्म का एक बहुत ही अच्छी मिसाल है. इस किताब का आइडिया मुझे ओम बुक्स इंटरनेशनल ने दिया. ओम बुक्स इंटरनेशनल जो है वो काफी बच्चों की किताबें छापते हैं, 365 टेल्स फ्रॉम रामायण फ्रॉम महाभारत या पुराना उस तरीके से. तो एक दिन उनकी पहले एडिटर हुआ करती थी दीपा चौधरी, उनका फोन आया कि हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास इस्लामिक किताब नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या आप इस तरीके की किताब करने में इंटरेस्टेड होंगे? मैं क्या जरूर होंगे. मैंने ओम बुक्स के साथ पहले दो सिनेमा से रिलेटेड किताबें की थी, हाउसफुल द गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा एंड दिल्ली फोर शोज. तो फिर तीसरी किताब के लिए उनका जो मेरे पास ऑफर आया अगेंस्ट द विंड वो ये आया 365 टेल्स फ्रॉम इस्लाम. और मुझसे कहा कि इसके लिए बस हम आपको एक बार लमसम देंगे, रॉयल्टी नहीं देंगे. मैंने कहा आप कुछ मत दीजिए, कोई बात नहीं, आई वुड लव टू डू इट. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस मेयार से किताब छापी बहुत किसी भी इंटरनेशनल पब्लिशर से कम नहीं रखा, और मुझे हर स्टेज पर अपने साथ इन्वॉल्व रखा एडिटिंग में या जो इसके विजुअल्स आए उन सब चीजों में. लेकिन उसमें मजे की चीज ये हुई कि एक खातून जो कि वहां पे शायद कॉपी एडिटर या बेसिक लेवल पे एडिटर हुआ करती थी उनको ये बात समझने में बहुत दिक्कत आई कि व्हेन आई एम राइटिंग अ बुक अबाउट कुरान और स्टोरीज फ्रॉम इस्लाम I will use the word Isa and not Jesus. I will use the word Dawood and not David. So, jahan jahan maine Dawood likha, unhone usko kaat ke David kar diya. Jahan pe maine Isa likha, unhone Jesus kar diya. So, maine unko samjhaya ke, listen, this book is about the Quran. Agar aap Bible ki kitab likhenge, to alag baat hai. To aap usme David ya Jesus hi kahenge. To, khair maine correction kar diya. Lekin unke is chote se action se mujhe pata chala ki larger society mein कितनी इग्नोरेंस है अबाउट इस्लाम एंड कुरान एंड हाउ फार हैव वी फेल्ड एज मुस्लिम्स इन टेकिंग द मैसेज ऑफ अवर फेथ टू द लार्जर ह्यूमैनिटी बिकॉज द कुरान टेल्स अस वेरी क्लियरली एट टू डिफरेंट प्लेसेस. सूरह नहल में आयत 125 में लूज तर्जुमा है, इनवाइट देम टू द वर्ड्स ऑफ अल्लाह विद वर्ड्स ऑफ विजडम एंड गुड इंस्ट्रक्शन. लेकिन अगर हम अपने मौलाना से पूछें कि हम उनसे कहें कि हम गैर मुस्लिम भाई को कुरान का एक तर्जुमा पेश करना चाहेंगे, उनका पहला जवाब अक्सर होता है वो नापाक होते हैं. और उसी तरीके से सूरह हज में कि लास्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल हिम कि अल्लाह ताला व्हाट एवर मैसेज यू आस्क मी टू कन्वे आई कन्वे टू द पीपल एंड देन वी विल बी आस्क्ड डिड यू कन्वे द मैसेज टू द लार्जर ह्यूमैनिटी. Now come to think of it, have we fulfilled our duty as a Muslim? Have we taken the message of Islam to larger humanity? Ya humne Islam ko ek mehdood kar diya apni community tak, Quran ko mehdood kar diya Muslims tak. Quran hum bachchon ko bachpan se sikhate hain general knowledge ki books mein ke Christian ki book hai Bible aur Muslim ki book hai Quran. Quran is not a book of Muslims. And Allah Ta'ala never says that at any place. Throughout the Quran. Quran is of humanity. You begin the Quran with the very first ayah of Surah Fatir. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. It is not Alhamdulillahi Rabbil Muslimin.
वी हैव टू वर्क ऑन दोस लाइंस. और ये जो खातून ने जो एडिटिंग में चेंजेस करी उनकी तो इग्नोरेंस थी, लेकिन इसमें ज्यादा जो इंडेक्टमेंट था वो हम लोगों का. बिल्कुल बिल्कुल. मजे की बात यही है कि इस्लामियात में बच्चों की किताबें जो हैं, खूबसूरत किताबें उर्दू में कम हैं, नहीं है कम, क्या नहीं उर्दू में नहीं है, उर्दू में किताबें हैं जरूर किताब के, लेकिन वो रिसाइकल्ड पेपर्स पे इस तरीके से होते कि अगर आप सोचते हैं 8-9 साल का बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल. जितना वो इंग्लिश में जितनी खूबसूरत है और आर्ट पेपर, आप उर्दू में भी अच्छे प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ विजुअल्स के साथ छापे, लेकिन फिर वो बात आती है जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है ना सब कॉन्टिनेंट में, आप तस्वीर कैसे बना सकते. अरे भाई आपने नबी की तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन आपने किसी बुजुर्ग को चलता हुआ दिखा दिया बच्चे के लिए. आपने हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में बच्चे का दिखाया तो आपने खाली झूला दिखा दिया बच्चे के लिए. क्रिएटिविटी बच्चे को भी काफी छोटा बच्चा जो है 8-9 साल का उस विजुअल से अट्रैक्ट होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो ओम बुक्स इंटरनेशनल ने यही काम किया है, अच्छा है. वो एक अदारा है जो कि जिसकी किताबें यहाँ बहुत आती हैं कनाडा, गुड वर्ड बुक्स, गुड वर्ड वहीदुद्दीन साहब, वहीदुद्दीन साहब बहुत अच्छा काम कर, वो अच्छा काम कर रहे हैं. उनकी किताबें माशाल्लाह अच्छी हैं, वो बच्चों के लिए भी और दीनियात की किताबें, वो सारी चीज बहुत ही बहुत अच्छी है. शायद ओम बुक्स वालों को उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला हो सकता कि अच्छा पहले उन्होंने किया है. गुड वाले पहले करते थे, फिर ओम बुक्स वाले मेरे पास आए तो मैंने कहा आपने गुड वर्ड को पढ़ा होगा उसके बाद आए होंगे, तो उन्होंने मुझसे तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं हमारे पास, क्योंकि कुरान के ऊपर और महाभारत के ऊपर किताबें थी तो हमने सोचा कुरान के ऊपर सीरीज, हां वो सीरीज के हिसाब से. एंड दे आर स्मार्ट, वो बिजनेस भी जानते हैं. दे गो टू शारजा, यूएई, रियाद एटसेट्रा फॉर बुक फेयर्स, बुक फेयर्स में जाते हैं जी, यूएस एटसेट्रा, सो दे हैव दैट मार्केट. और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब बहुत अच्छी चली है मार्केट. ये इन्होंने पहला ऑर्डर से 6,000 का किया था, लेकिन इसके 4 एडिशंस निकल चुके. वाह वाह. नहीं बड़ी प्रेजेंटेबल है, मैंने तो देखा खरीदा वो. तो जनाब हुजूर वाला, आपने जितना काम किया है माशाल्लाह, इस पर एक इंटरव्यू तो बहुत कम है, बल्कि आपको तो सेमिनार की जरूरत है कि इतनी ज्यादा गुफ्तगू. आई थिंक यू आर वेरी गुड एट एग्जैजरेशन. नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों आप सबों के लिए ये भी बताते चलूं कि फ्रॉम प्रोटेस्ट टू मूवमेंट, शाहीन बाग ऑफ सैफरन फ्लैग्स एंड स्कल कप्स, तबलीगी जमात, ये सब कुछ किताबें और हैं. इस पर सैर हासिल बातचीत होनी थी मगर वक्त की कुछ तंगी है. ये बड़ी अच्छी किताबें हैं, उम्मीद अफजा किताबें हैं, इन्हें ज़रूर हासिल करें और अपनी तवक्कुआत और मालूमात में इजाफा करें. क़िबला ज़ियाउस्सलाम भाई, आपका समीम कल्ब से शुक्रिया कि आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि हमारे इल्म में खासा इजाफा किया. आज बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया. अगर कोई अहम बात अच्छे अच्छे दोस्त आए हुए थे, हाँ कोई बात रह गई हो आप बताना चाहें तो जी. मैंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, मेरी किताब आई थी, एक सेज ने छापी थी, सैफरन फ्लैग्स एंड स्कल कैप्स, और एक ब्लूम्सबरी ने छापी थी शाहीन बाग, जिसका भी आपने जिक्र किया. जब ये दोनों किताबें आई तो राइट विंग के ट्रोल्स ने मुझे इतना ट्रोल करा और इतना ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी कि ये दोनों किताबें मार्केट में हिट हो गई. वो हर जगह पे, फेसबुक पर, इंस्टा पे, ट्विटर पे, मुझे अगर मैं हल्के अल्फाज में बोलूं तो मेरी लीनियज याद कराते रहते थे. एंड जो उनके पास पहला टिकट होता था उसमें मुझे पाकिस्तान जाने का इनविटेशन होता था, एंड ऑब्वियसली इट वाज अ वन वे टिकट. सो आई क्वाइट एंजॉयड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द राइट विंग पीपल हु हैड नॉट रेड द बुक. तो उन्होंने काफी जाके ट्विटर पे बगैर किताब को देखे एक एक स्टार, 0 स्टार, इस तरह से चीजें करी. लेकिन खासतौर से सैफरन फ्लैग्स और स्कल कैप्स से ये फायदा हुआ कि ये दुनिया भर की बहुत यूनिवर्सिटीज में रेफरेंस बुक्स में पहुंच गई. ऑस्ट्रिया जैसी जगह में, हंगरी में, फ्रांस में, इवन लिबिया में. सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक अ बुक डज मेक अ डिफरेंस, इवन इफ इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन. आई बिलीव एवरी ड्रॉप मेक्स द ओशन. वाह वाह वाह. तस्कीन जमाली भाई देर से आए हैं, हमारे विंडसर में रहते हैं, आपको सलाम कह रहे हैं. तो तस्कीन जमाली भाई आप हमारे अलीगढ़ के साथी भी अलीग हैं, तो आप वो जो दोस्त अब आ रहे हैं उनके लिए ये गुजारिश है कि अब यूट्यूब पे मैं इसे
अपलोड कर दूंगा, वहां देखिएगा आप लोग। दोस्तों आप सबका भी बड़ा फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज को आप हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी मोहब्बत और दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अजीजों को, कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पर रागिब किया करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें। आपकी आवारगी में कुछ रूहानियत नहीं है? नहीं, आप जैसों की दुआएं लेता रहता हूँ। दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। अगले हफ्ते जुलाई 23 हमारी बहुत ही अच्छी एक सिंगर हैं अर्चना कामत, उनसे आपकी मुलाकात होगी, जो कि शंकर महादेवन एकेडमी में टीचर भी हैं और बहुत अच्छी म्यूजिक खुद गाती भी बहुत अच्छा है। जरूर शरीक हों। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नवाजिश खुश पाश। क़िबला आप रुकिएगा, मैं जरा एक मिनट। मैं इसे रैप अप कर दूं। एक सेकंड भाई।